नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल हनुमान में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के शहरों के या फिर नगरों के जो उपनाम है, यानी किस शहर को किस उपनाम से या किस फेमस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी थोड़े ही दिन बाद राजस्थान पटवारी की या फिर राजस्थान एसआई की, राजस्थान कांस्टेबल की, और या फिर रीट के एग्जाम या फिर बीएड वगैरह के एग्जाम या फिर कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि राजस्थान स्टेट में होते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे एक या दो नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज इस टॉपिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। पहला जो एक सबसे ज्यादा फेमस क्या है वो है जयपुर, क्योंकि इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम से जाना जाता है। इसका महत्वपूर्ण नाम क्या है वैसे? गुलाबी नगरी। गुलाबी नगर से किस शहर को जाना जाता है? जयपुर को। नेक्स्ट क्या है? एक भारत का पेरिस, भारत का पेरिस, ये किस शहर को जाना जाता है भारत के पेरिस नाम से? ये भी जयपुर को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान का शिमला, किस शहर या नगर को राजस्थान का शिमला कहा जाता है? ये है माउंट आबू। नेक्स्ट है गलियों का शहर, गलियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? ये है जैसलमेर। नेक्स्ट क्या है? सवर्ण नगरी, किस शहर को कहा जाता है? ये भी जैसलमेर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? जिलों का शहर, जिलों का शहर कौन से शहर, कौन से नगर या शहर को कहा जाता है? उदयपुर को, जिलों की नगरी बोलते हैं उदयपुर को। नेक्स्ट क्या है? पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस कौन से शहर को बोला जाता है? यह भी उदयपुर को ही बोला जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का हृदय, किस शहर को या किस जगह को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? अजमेर। नेक्स्ट है भारत का मक्का, भारत का मक्का किस को बोला जाता है? यह भी अजमेर को ही बोला जाता है। नेक्स्ट राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर है वो राजस्थान किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर को, उदयपुर को कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है? राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब किसको कहते हैं? सांचौर को।
नेक्स्ट नेक्स्ट है राजस्थान का अंडमान, किसको बोला जाता है? जैसलमेर को। नेक्स्ट है सिटी ऑफ वेल्स, सिटी ऑफ वेल्स के नाम से राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? झालरा पाटन। नेक्स्ट नेक्स्ट है राजस्थान का धातु नगर, किसको बोलते हैं? किसको कहा जाता है ये? नागौर को, यानी नागौर को राजस्थान का धातु नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान की थर्मोपल्ली, किसको कहा जाता है? हल्दी घाटी को। नेक्स्ट नेक्स्ट है राजस्थान का पूर्वी द्वार, कौन से शहर को राजस्थान का पूर्वी द्वार कहा जाता है? किसको? भरतपुर को। नेक्स्ट नेक्स्ट है राजस्थान का कानपुर, किसको कहा जाता है? राजस्थान कानपुर ये कहा जाता है कोटा को। नेक्स्ट नेक्स्ट है राजस्थान का अनभंडार, कौन से शहर को राजस्थान का अनभंडार करते हैं? ये कहते हैं श्री गंगा नगर को। नेक्स्ट नेक्स्ट है नवाबों की नगरी, किसको कहा जाता है? टोंक को। अगर नवाबों का शहर की बात करें तो किसको कहा जाता है? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ को, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो लखनऊ, नवाबों का शहर कहलाता है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ है, याद रखना। और जो वहां के मुख्यमंत्री है वो आदित्य, आप जानते होंगे आदित्यनाथ योगी। अब बात करते हैं रेड डायमंड। रेड डायमंड के नाम से कौन सी सिटी मशहूर है? धौलपुर। धौलपुर को रेड डायमंड कहते हैं। अब थोड़ा इनका रिविजन कर लेते हैं। राजस्थान का पंजाब है वो सांचौर को कहते हैं, राजस्थान का अंडमान है वो जैसलमेर है, सिटी ऑफ वेल्स है वो झालरापाटन के, झालरापाटन को सिटी ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता है। नागौर को किस नाम से जाना जाता है? धातु नगर के नाम से। हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपल्ली, भरतपुर को राजस्थान का पूरी द्वार के नाम से जाना जाता है, कोटा को राजस्थान का कानपुर, गंगानगर है वो राजस्थान का अनभंडार है, और टोंक है वो नवाबों की नगरी है, और जो धौलपुर है वो रेड डायमंड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव किसको बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? सूरन नगरी। किसको बोलते हैं? सूरन नगरी जालौर को। नेक्स्ट नेक्स्ट है थार का
प्रवेश द्वार। थार का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? किस सिटी को? जोधपुर को। नेक्स्ट एक है थार का गढ़ा। थार का गढ़ा किसको बोला जाता है? यह है चंदन नलकूप। एक जगह है चंदन नलकूप, इसको थार का गढ़ा कहा जाता है। थार का प्रवेश द्वार जोधपुर है, थार का गढ़ा है वो चंदन नलकूप है। नेक्स्ट तीर्थों का मामा। किसको कहा जाता है तीर्थों का मामा? ये कहा जाता है पुष्कर को। और एक है तीर्थों का बांजा, ये किसको कहा जाता है? मचकुंड को। और एक है क्या है? सौ द्वीपों का शहर या फिर नगर। सौ द्वीपों का नगर किसको कहा जाता है? ये बांसवाड़ा को। नेक्स्ट राजस्थान के राजमहलों का शहर या फिर नगर किसको बोला जाता है? ये डिंग को। और एक है बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर किसको बोला जाता है? बूंदी को। तो अब इसका करते हैं रिवीजन। राजस्थान का कौन है? चित्तौड़गढ़। सुवर्ण नगरी है वो जालौर। थार का प्रवेश द्वार है वो जोधपुर। चंदन नलकूप को क्या बोला जाता है? थार का गढ़ा। थार का गढ़ा वो चंदन नलकूप को बोला जाता है। पुष्कर को किस नाम से जाना जाता है? पुष्कर शहर को तीर्थों का मामा। और मचकुंड को तीर्थों का बांजा। अब बात करते हैं बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? सौ द्वीपों का शहर है बांसवाड़ा। और अगर बात करें बूंदी की तो बूंदी को क्या बोलते हैं? बावड़ियों का शहर। क्या? बावड़ियों का शहर बोलते हैं। अगर बात करें डिंग की तो डिंग को क्या बोलते हैं? राजस्थान के राजमहलों का शहर या फिर नगर। तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो के माध्यम से, मैंने आपको जानकर दिए वो राजस्थान के शहरों या फिर नगरों के उपनाम के बारे में एक छोटी जानकारी। जो ये क्वेश्चन है या फिर ये जो मैंने आपको बताए हैं शहर या फिर इनके उपनाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको कम से कम दो या तीन बार जरूर देखें ताकि आपके अच्छी तरह से याद हो जाए। और बात है शॉर्ट ट्रिक्स की, तो शॉर्ट ट्रिक्स है वो किसी के बताने या फिर बताए कि शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद कभी नहीं रहेगी, ध्यान रखना। वो थोड़े से समय के लिए याद रहेगी, मात्र ज्यादा एक महीने याद रहेगी, लेकिन जब आप खुद शॉर्ट ट्रिक बनाओगे अपने दिमाग से, अपने माइंड से इन चीजों को कोरिलेट करोगे, तब जाके आपको इस चीजों के क्या दिमाग में बैठने की जो है बात बनेगी। अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक की बता देते हैं, जितनी वीडियो देखोगे आप इस चीज के बारे में, अन्य कोई और कैसे वीडियो देखोगे, बहुत सारे चैनल्स हैं जो करवाते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। या फिर मान लो आपने एक ही टॉपिक की कई वीडियो देख ली, हर क्या होता है, हर वीडियो में अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स होती है, तो आप क्या बार बार पजल हो जाते हो। तो इससे अच्छा है कि मात्र इनको इनके नाम याद रखो और अपने माइंड से इनको खुद कोरिलेट किया करो। हाँ चित्तौड़गढ़ है तो राजस्थान, हाँ चलो कुछ भी बना लो। पढ़ाई में पागलपंती बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से या फिर बहुत पागलपंती तरीके से अगर पढ़ोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगी। अगर सीरियस होकर पढ़ोगे तो आपको बहुत कम चांस है याद हो। थोड़ा मैजिक होना चाहिए इसके अंदर, हाँ भाई की कुछ चीजें याद कर रहे हैं तो उसको इस तरह से कोरिलेट करो। हाँ कोई अगर दूसरा भी सुने तो उसको भी क्या है वो भूल नहीं पाए। ऐसी पागलपंती करो पढ़ाई में कि अगर दूसरा पूछ भी ले तो उसको आप ट्रिक बताओ अपनी, तो उससे क्या है कि उसके भी दिमाग में बैठ जाए यार कि उसने मेरे को ना ये बताया था। कभी अगर एग्जाम में आ भी जाए ऐसा क्वेश्चन तो दूसरे के भी क्या है ऐसे याद रहता है। तो
ये बहुत जरूरी है, इन चीजों को कोरिलेट किया करो। जितना कोरिलेट करोगे इनसे, कंपैरिजन करोगे, कोरिलेट करोगे, तब जाके कि आपको ये याद रहने लग जाएंगे। वैसे ये टॉपिक कोई इतना हार्ड नहीं है जितना हम समझते हैं। तो ये थी हमारी आपकी एक जानकारी छोटी सी राजस्थान के शहरों के उपनामों के बारे में। मैंने इसमें राजस्थान के लगभग सभी जो भी शहर है फेमस, यानी अपने इस नाम से फेमस है, इन नामों से, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दे दी है। मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी समझ में आए और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।